आज मैं आपको बताऊंगी यूनिट 7 पार्ट 3 मटेरियल एंड मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। चलिए हम रीड करते हैं। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सॉलिड लिक्विड एंड गैस पे उस पर होती है। ठीक है, सॉलिड क्या होती है? कैन यू सी फील टच डिस्क्राइब एंड वेट सॉलिड। क्या हम महसूस कर सकते हैं उसको और देख सकते हैं, और टच करते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड। जैसे पत्थर उसको लें तो वो कितना सॉलिड फॉर्म होता है, इतना सख्त और सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? हेयर आर सम लिक्विड। ये जो पिक्चर्स हैं, कुछ चीज़ें जो वो लिक्विड है, कैन यू सी फील टच डिस्क्राइब एंड वेट लिक्विड। क्या वो फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको? टच कर सकते हैं हाथ में, मगर वो एक इतनी वो लिक्विड फॉर्म होगा, वो हमारे हाथ में आ तो जाएगा मगर बिल्कुल हमारे हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म होगा। वो हाथ में तो आ सकता, टच भी कर सकते हैं। तो लिक्विड क्या क्या चीज़ें होती हैं? पानी, एंटी और ये कलर फॉर्म में जो होता है, ये वो लिक्विड कहलाती हैं। तीनों चीज़ें लिक्विड कहलाती हैं। यू कैन डू सो ईजली जस्ट एज यू कैन विथ सॉलिड। यू कैन ऑल्सो प्योर लिक्विड दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। यानी कि जो इतने शेप्स दिए हुए हैं, ग्लास, कप, बाउल एंड जग, इनमें जो सब चीज़ों में क्या होती है? लिक्विड। उसको हम प्योर लिक्विड इनके लिक्विड चीज़ें आ सकती हैं इसमें। ठीक है, इन सब चीज़ों में लिक्विड आ सकती है। और गैस क्या होता है? गैस, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सी, सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम। जो गैस होती है उसको हम देख नहीं सकते, कभी देख सकते हैं और उसको टच नहीं कर सकते। वी कैन समथिंग फील दैम, यानी कि हम कभी यानी कि महसूस कर सकते हैं गैस। बाउल ऑन योर हैंड, कैन यू फील द एयर एंड योर हैंड? एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। एक बाउल लिया हमने हाथ में और उसको हमने कैन यू फील द एयर ऑन योर हैंड, उसको हमने महसूस किया हाथ में लेके उसको, यानी कि उसके अंदर जो हवा भरी हुई है, हवा वाली चीज़ लिया हमने, उसको महसूस। एयर, वो जो हवा होती है वो क्या होती है? गैसेज, जैसे ये जो पिक्चर्स दी हुई है, चलिए हम रीड करते हैं। Did you notice the in the picture above, the gases can take different shapes? यानी कि जो pictures हैं ये अलग अलग different shapes के हैं, इसमें ये gases हैं, ये जो gases हैं ball, balloon और gases toy, air toy, ये सब चीज़ें वो उसमें gases होती है। One important gas in the air is oxygen. जो कुछ कुछ जगह अच्छी वो यानी कि गैसेस होती हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। डू यू रिमेम्बर व्हाई दिस गैस इज इम्पॉर्टेंट? और हाँ, ये गैस हमारे लिए क्यों जरूरी? ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन टू लीव। हर चीज़ों को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, हर चीज़ों को जिंदा रहने की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। फायर को जरूरत, यानी कि आग को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो आग जलाने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम इसके बारे में बताते हैं। वी कैन समटाइम चेंज द नेचर ऑफ थिंग बाय हीटिंग, मेल्टिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग दैम। यानी कि हम इसको बताएंगे कि ना, यानी कि हीटिंग, मेल्टिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग दैम को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक आइस है, व्हेन वाटर फ्रीज इट्स बिकम आइस इज सॉलिड। एक हमने वाटर लिया, उसको हमने फ्रीज किया और फिर फ्रीज करके जब वो उसको जमा दिया तो वो एक बर्फ की उसमें फॉर्म में आ गया, तो उसको वो सॉलिड हो गया। सॉलिड, ये अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया बर्फ, पहले वो लिक्विड था, हमने अगर उसको फ्रीज किया तो वो सॉलिड फॉर्म में हो गया। व्हेन, नंबर टू देखें, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स बिकम वाटर, वाटर इज लिक्विड। और जो आइस को जब ये आइस निकाला, जब वो मेल्ट हुई तो वो फिर
वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो गया। अभी व्हेन वाटर इज हीटेड इट्स बिकम वेपर, वाटर वेपर इज गैस, यानी कि ये एक वाटर है, इसको हमने गर्म किया, इस पानी को गर्म किया तो वो एक गैस फॉर्म में वो हो गई है, गैस यानी कि इसमें से फिर गैस निकलने लगी। वाटर ही था इसको हमने जब एक बाउल में भरा और उसको हीट बर्न किया तो वो हीट बर्न के गैस के फॉर्म में निकली। ठीक है, अब हम लाइक मैं बताऊंगी आपको करेक्ट है। सॉलिड एंड डैश कैन बी सीन ईजली, यानी कि सॉलिड और यानी कि लिक्विड आएगा गैस, तो ऑब्वियसली सॉरी यानी कि लिक्विड ही होगा, यानी कि सॉलिड और लिक्विड को हम आराम से देख सकते हैं, गैस को तो नहीं देख सकते। नंबर बी, बी क्या है, बी पर डैश कैन नॉट बी सीन, डैश कैन नॉट बी सीन ईजली, यानी कि डैश कैन नॉट बी सीन हम यानी कि आराम से, यानी कि लिक्विड या गैस इन दोनों क्या आएगा, गैस, क्योंकि हम गैस को देख नहीं सकते कभी आराम से, यानी कि लाइक जैसे सॉलिड लिक्विड जैसा गैस को हम कभी ऐसा कभी महसूस कर सकते हैं। नंबर सी क्या है, डैश कैन बी प्योर, प्योर यानी कि क्या चीज़ हम जो है जो उसमें एक चीज़ में भर सकते हैं, लिक्विड, लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड एयर कंटेन मैनी कंटेन, एयर कंटेन्स मैनी डैश, यानी कि डैश में क्या है गैसेस या लिक्विड, एयर, एयर है तो एक में हवा, जो एक हवा होती है वो किस चीज़ से होगी, गैसेस लाइक गैसेस। नंबर ई, वाटर, वाटर वेपर इज द गैस डेट वी गेट वैन बी डैश वाटर, एक वाटर जो है तो यानी कि उसमें क्या आएगा, बॉयल आएगा वाटर को, जो हम एक गैस पे यानी कि चूल्हे पे हम जब करेंगे तो वो बॉयल ही होगा, तो जाहिर सी बात है तो बॉयल ही लिखेंगे। ठीक है, एफ क्या है, डैश इज नीड बाय अस टू स्टे अलाइव ऑक्सीजन एंड वेपर, डैश में क्या आएगा यानी कि हमें जिंदा रहने की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगा तो। ठीक है, और नंबर जी क्या है, एंड लास्ट फ्रीजिंग कैन टर्न अ डैश इनटू अ सॉलिड, फ्रीज इन लिक्विड या गैस, तो क्या आएगा इसमें, लिक्विड, क्योंकि फ्रीज करेंगे और हम उसको बाद में वो सॉलिड होगा तो फ्रीज करके हम बाद निकालने को मेल्ट, तो क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड।